दोस्तों आज हमारे पास एक चाइना का टीवी, इसमें फॉल्ट ये है कि वाइट हो चुका है और लाइनें भी हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद ताफ और मेरे चैनल का नाम है स्टार होता, सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। इसके सबसे पहले जो है ये वो वोल्ट चेक करेंगे, कौन से इसके वोल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे। ये 115 वोल्ट आ रहे हैं इसके, ये इसके वर्टिकल के वोल्ट आ रहे हैं 28 वोल्ट, ये रेगुलेटर के आ रहे हैं, ये ऑडियो के आ रहे हैं, ऑडियो का वोल्टेज इसके कम है, बंद है बिल्कुल आ ही नहीं है। और जो हमारे लाइट के लिए वोल्ट है वो 180 वोल्ट होते हैं, लेकिन 180 वोल्ट के बजाय ये 1.8 वोल्ट दे रहा है। ये इसका रेक्टिफायर है, ये फ्लाई बैग से जो निकलते हैं, लेकिन अब हम इसके फ्लाई बैग की ये पिन सोल्ड करते हैं, इस पिन में ये फॉल्ट है। ये इसके जो ये वाली पिन है ना, ये सोल्डर छोड़ चुकी है, इसलिए ये इसके 180 वोल्ट बंद है। अब मैं इसको सोल्ड करने लगा, अब मैंने 180 को सोल्ड कर दिया, अभी हमारे 177 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, इसमें फॉल्ट ना होने के बिना पर ये सफ़ेद लाइट आ रही थी, अब ये इसकी सफ़ेद लाइट ख़त्म हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं फ्रंट से इसका ब्लू बिल्कुल मुकम्मल आ चुका है, पहले इसका ब्लू नहीं आ रहा था, सफ़ेद लाइनें और शेड आ रहे थे, सफ़ेद स्क्रीन बिल्कुल सफ़ेद थी। ठीक है, अब हम इसमें फ़ोटो डालकर चेक करते हैं, फ़ोटो भी क्लियर आता है कि कोई और प्रॉब्लम है। ये अब हमारा टीवी मुकम्मल हो चुका है जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।